दोस्तों, IQ अपना न्यू स्मार्टफोन IQ G9 टर्बो 5G को इंडियन मार्केट में लॉन्च करने वाला है। ये फ़ोन ऑलरेडी चाइनीज मार्केट में लॉन्च हो गया है। इंडिया लॉन्च को लेकर के कुछ नया अपडेट आया है और इस फ़ोन के इंडिया प्राइस को लेकर के भी कुछ नया अपडेट आया है। इस वीडियो में इस फ़ोन के कन्फर्म डिटेल्स के साथ आपको बताएंगे कि ये फ़ोन इंडिया में कब लॉन्च हो सकता है और जब लॉन्च होगा तो ये फ़ोन कितने प्राइस पर आ सकता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं पूरे डिटेल्स में IQ G9 टर्बो के बारे में। सबसे पहले इस फोन के लुक का बात करें तो ये फ़ोन बैक साइड से कुछ इस तरीके का होगा। इसमें ग्लास का बैक रहेगा, फ्रेम प्लास्टिक का ही होगा और इसमें दो कैमरा का सेटअप रहेगा और एक LED फ्लैश मिलेगा। फ़ोन इनहैंड फील में भी अच्छा होगा, जब आप फ़ोन को हाथ में लेंगे तो आपको अच्छा फील देगा। वहीं फ़ोन फ्रंट साइड से फ्लैट डिस्प्ले के साथ आएगा जो कि सेंटर पंचोर वाला होगा, जहां साइड का बेल्स और चीन बहुत कम रहेगा। फ़ोन फ्रंट साइड से भी अच्छा होगा। कुल मिला करके देखिएगा तो फ़ोन लुक में ठीक ठाक होगा। वहीं इस फ़ोन के वेट और थिकनेस का बात करें तो इस फ़ोन का वेट 195 ग्राम्स होगा और इसका थिकनेस 7.98 mm रहेगा। वहीं इस फ़ोन के डिस्प्ले का बात करें तो इसमें 6.7 इंच का 1.5 के रेजोल्यूशन वाला एक OLED डिस्प्ले मिलेगा, जो कि सेंटर पंचोर वाला फ्लैट डिस्प्ले होगा। इसमें अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी रहेगा। इसमें 4500 निट्स तक का पीक ब्राइटनेस भी रहेगा। इसमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी रहेगा और इसमें 3840 हर्ट्ज का PWM डिमिंग भी रहेगा। फ़ोन डिस्प्ले में बहुत अच्छा होगा और जब आप फ़ोन को चलाएंगे तो फ़ोन चलाने में आपको बहुत बढ़िया लगेगा। फ़ोन एकदम स्मूथ चलेगा नॉर्मल यूज में, ब्राउजिंग में, स्क्रोलिंग में, ऐप ओपन क्लोज में, ये सब में बहुत बढ़िया होगा। डिस्प्ले का टच सेंसिटिविटी भी बहुत बढ़िया रहेगा और वीडियो व्यूइंग एक्सपीरियंस में भी फ़ोन बेस्ट होगा। जब आप इसमें कोई भी हाई क्वालिटी का वीडियो प्ले करेंगे या कोई हाई रेजोल्यूशन का मूवी देखेंगे या कोई हाई रेजोल्यूशन का सॉन्ग प्ले करेंगे तो आपको व्यूइंग एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया मिलेगा। डिस्प्ले में फ़ोन बेस्ट होगा। वहीं इस फ़ोन के प्रोसेसर की बात करें तो ये फ़ोन स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 प्रोसेसर के साथ आएगा, जो कि 4 नैनोमीटर फैब्रिकेशन पर बना है, तो बैटरी इफिशियंट भी है और इसका NT2 स्कोर 15 लाख से भी ज़्यादा आता है। तो इससे देखिए क्लियर है कि फ़ोन परफॉर्मेंस में बेस्ट होगा। इस फ़ोन में कोई भी गेम को आप कितना भी हाई सेटिंग पर प्ले करेंगे तो भी गेमिंग आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे और एक गेमिंग करने वाले यूज़र के लिए ये फ़ोन बेस्ट होगा। अपने सेगमेंट में ये फ़ोन बहुत अच्छा गेमिंग करा के आपको देने वाला है और एक नॉर्मल यूज़र के लिए ये फ़ोन और ज़्यादा बढ़िया होगा। वहीं इस फ़ोन के स्टोरेज और रैम टाइप का बात करें तो ये फ़ोन LPDDR5X रैम और UFS 4.0 स्टोरेज टाइप के साथ आएगा। फ़ोन स्टोरेज और रैम टाइप में अभी लेटेस्ट और फास्ट होगा। जब आप इस फ़ोन में कोई भी ऐप को ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे या एक ऐप से दूसरे ऐप पर स्विच करेंगे या कोई ब्रेव फाइल को एक जगह से दूसरे जगह मूव करेंगे तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से होगा। स्टोरेज और रैम टाइप में भी फ़ोन टॉप क्लास का होगा। वहीं इस फ़ोन के कैमरा का बात करें तो ये फ़ोन रियर साइड से डुअल कैमरा सेटअप के साथ आएगा, जहां की मेन कैमरा 50 MP का होगा, जहां की OIS भी रहेगा और इसमें सोनी का लाइटिया 600 वाला सेंसर मिलेगा। 8 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा रहेगा और 16 MP का सेल्फी कैमरा रहेगा। और जब आप इस फ़ोन के कैमरा से कोई फोटो क्लिक करेंगे या वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे कोई भी कंडीशन में तो ये अच्छा क्वालिटी निकाल के देगा। डायनेमिक रेंज में भी बढ़िया होगा, डिटेलिंग को भी अच्छे से मेंटेन रखेगा, लो लाइट में भी अच्छा परफॉर्म करेगा। कुल मिलाकर के देखिएगा तो फ़ोन कैमरा में भी बेस्ट होगा और आपको सेटिस्फाइड भी करने वाला है। वहीं इस फ़ोन के बैटरी का बात करें तो ये फ़ोन 6000 mAh के बैटरी के साथ आएगा, जहां 80W के फास्ट चार्ज का सपोर्ट भी मिलेगा तो फ़ोन बैटरी में बेस्ट होगा। आज के टाइम में जितना फास्ट चार्ज का सपोर्ट का नीड होता है उससे ज़्यादा ही इसमें रहेगा और बैटरी भी ज़्यादा ही रहेगा, क्योंकि जनरली 5000 mAh का ही बैटरी मिलता है लेकिन इसमें 6000 mAh का बैटरी मिलने वाला है। और ये फ़ोन डुअल स्टीरियो स्पीकर डॉल्बी एटमॉस के सपोर्ट के भी साथ आएगा तो फ़ोन मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस में भी टॉप क्लास का होगा। और इस फ़ोन में IP64 का रेटिंग भी रहेगा और ये फ़ोन ब्लूटूथ 5.4 के कनेक्टिविटी के साथ आएगा। इसमें NFC का भी कनेक्टिविटी मिलेगा और ये फ़ोन X एक्सेस लीनियर मोटर के सपोर्ट के भी साथ आएगा तो फ़ोन हैप्टिक फीडबैक में भी बढ़िया होगा। और जब आप इस फ़ोन में गेमिंग करेंगे तो गेमिंग के टाइम में ये फ़ोन 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को भी सपोर्ट करने वाला है। दोस्तों, यही सब डिटेल्स के साथ ये फ़ोन इंडियन मार्केट में भी लॉन्च होने वाला है और ये सब डिटेल्स से तो साफ क्लियर है कि फ़ोन लुक में भी ठीक ठाक होगा, डिस्प्ले में बहुत अच्छा रहेगा, परफॉर्मेंस में भी टॉप क्लास का होगा, कैमरा में भी अच्छा होगा, बैटरी में भी बेस्ट होगा और मल्टीमीडिया में भी अच्छा होगा। कुल मिलाकर के देखिएगा तो फोन सारे चीज़ों में बहुत ज़्यादा बढ़िया होगा, बस IQ इस फोन को इंडियन मार्केट में अच्छे प्राइस पे लॉन्च कर दे। वहीं इस फोन के प्राइस का बात करें तो दोस्तों, लीक्स में बताया जा रहा है कि इसका जो प्राइस होगा इंडियन मार्केट में वो 30,000 के आसपास रहेगा, ये लॉन्च प्राइस होगा। और कार्ड डिस्काउंट के बाद ये फोन 27,000 या फिर 28,000 में मिल सकता है। और सच में ये फोन सारे डिस्काउंट के बाद 27,000 या फिर 28,000 में मिलता है तो ये फोन आप लोगों के लिए बेस्ट हो सकता है। वहीं इस फोन के लॉन्च डेट का बात करें तो दोस्तों, इस फोन के इंडिया लॉन्च को लेकर के जो न्यू अपडेट आया उसमें बताया गया कि ये फोन इंडियन मार्केट में जुलाई के मंथ में लॉन्च होने
वाला है। अब जुलाई के मंथ में ये फ़ोन किस डेट पे आएगा ये भी रिवील नहीं हुआ है, लेकिन मुझे लग रहा है कि IQ इस फोन को इंडियन मार्केट में 20 जुलाई तक लॉन्च कर सकता है। और दोस्तों लीक्स में ये भी बताया जा रहा है कि ये फोन जब इंडियन मार्केट में आएगा तो इसका नेम चेंज हो सकता है, और ये फोन किस नेम से इंडिया में आएगा ये अभी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन नेम चेंज हो सकता है। वैसे दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, जो भी अपडेट आया था IQ G9 Turbo 5G से रिलेटेड वो सारा डिटेल्स आपको बता दिए। वैसे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।